हेलो विद्यार्थीगण, मैं इसके कश्यप यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के माध्यम से आपके सामने राज व्यवस्था पॉलिटी या इंडियन पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक बाय टॉपिक जो विभिन्न एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। विद्यार्थीगण, आपको याद होगा कि पिछले दो क्लास में आपको राज व्यवस्था के तहत मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा कर रहे थे और उसी मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ कल तक विगत क्लास में जो है अनुच्छेद 14 से 18 तक के बारे में चर्चा किए थे और ये बतलाए थे कि अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, जिसमें विधि का शासन और विधि का संरक्षण दो वर्गीकरण होता है। पिछले क्लास में आपको बताए थे कि विधि का संरक्षण जब होता है तो अमेरिका और विधि का शासन जब होता है तो इंग्लैंड। तो विधि का शासन जहां सकारात्मक पक्ष था वहीं विधि का संरक्षण संविधान की नकारात्मक पक्ष था। मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा करते हुए मैंने बताया था कि मौलिक अधिकार अधिकांशतः नकारात्मक है, इसमें निगेटिव पॉइंट ज़्यादा दिया गया है और मौलिक अधिकार सबसे पहले अमेरिका के संविधान से लिया गया। विश्व में सबसे पहले जेफरसन ने अमेरिका के संविधान में रखा, जिसकी संख्या 10 थी, जबकि भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार को रखा गया है। उसको अलग अलग जब व्याख्यात्मक विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है तो मौलिक अधिकार जो विश्व के अलग अलग देशों में है उसको 200 से अधिक भागों में वर्गीकृत किया गया है। भारत में वो तमाम 200 मौलिक अधिकार उपलब्ध नहीं हैं। भारत में लगभग 128 से 130 ही मौलिक अधिकार जो है जो उपलब्ध है, जिसे 6 मुख्य पॉइंट के माध्यम से 6 अलग अलग वर्गीकरण के माध्यम से संविधान में रखा गया है। और साथ ही बहुत सारे मौलिक अधिकार जो हैं वो इसमें हिडेन हैं, बहुत सारे अप्रत्यक्ष तौर पर हैं। कुछ मौलिक अधिकार के समान अधिकार जो है वो आपको न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा भी प्राप्त हो जाता है, जैसे सूचना का अधिकार जो 2005 में कानून बनाया गया, विधि बना। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये मौलिक अधिकार तो नहीं है लेकिन अनुच्छेद 21 के तहत जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है उसके तहत यह भी मौलिक अधिकार के समान है। तो बहुत सारे मौलिक अधिकार या उससे संबंधित अधिकार जो है न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से भी प्राप्त हो जाता है। न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो लोक हितवाद जनहितवाद है वो भी मौलिक अधिकार के दायरे में आता है। 1980 के दशक में जब सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश पीएन भगवती हुआ करते थे, तब सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक पुनर्विलोकन के अंतर्गत ही लोकहित याचिका जनहित याचिका को शामिल किए, जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और विगत साल का जब बीपीएस यह प्रश्न देखेंगे तो उसमें यह प्रश्न पूछा गया है कि लोकहित याचिका या जनहित याचिका किस देश के संविधान से लिया गया। संविधान में उसका कोई उल्लेख नहीं है लेकिन न्यायिक पुनर्विलोकन के तहत पीएन भगवती और कृष्णा अय्यर के द्वारा जो निर्णय दिया गया 70 के दशक से लेकर 80 के दशक में अलग अलग कालखंडों में, और वो भारतीय संविधान का एक सर्वोच्च न्यायालय का एक अधिकार क्षेत्र के दायरे में आ गया, तो वो भी जो है एक प्रकार का मौलिक अधिकार है। तो ऐसा नहीं है कि मौलिक अधिकार सिर्फ यही है, इसके अलावा भी बहुत सारे मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हो जाता है और उससे जुड़ा हुआ प्रश्न भी पूछता है। समान अवस्था में आप जब कोई भी गाइड पढ़ते हैं, कोई भी किताब पढ़ते हैं, चाहे लक्ष्मीकांत का हो या सुभाष कश्यप का, यह बाजार में बहुत सारे गाइड हैं, उसमें कहीं इसका उल्लेख नहीं मिलता है कि लोकहित याचिका या जनहित याचिका किस देश के संविधान से लिया गया, लेकिन इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया। तो आजकल जो प्रश्न होता है उसमें इस प्रकार के प्रश्न की प्राथमिकता मिल जाती है, बहुत ज़्यादा इस प्रकार का प्रश्न हो जाता है, इसे ध्यान देना। और मैंने यहाँ आपके सामने लगातार वैसे प्रश्न को ही सामने रखने का प्रयास किया ताकि आपका कंसेप्ट बेहतर रह सके। तो अनुच्छेद 14 से 18 तक विद्यार्थीगण पिछले क्लास में हो चुका था, समझा चुके थे, ये आपको अच्छी तरह याद होगा।
आज देखना है स्वतंत्रता का अधिकार, 1920 तक स्वतंत्रता का अधिकार है, फ्रीडम का अधिकार है, लेकिन स्वतंत्रता का अधिकार जो है संवैधानिक प्रावधान में स्पष्ट रूप से है कि सरकार के द्वारा उसे प्रतिबंधित किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 22 को प्रतिबंधित करने के लिए कई विधि का निर्माण, जैसे आपने पढ़ा होगा पोटा कानून, उसके पहले था टाडा कानून, तो ये सब क्या है, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 22 को प्रतिबंधित करने के लिए। देशद्रोह अधिनियम, वो भी मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित करने के लिए है। आपको विचार अभिव्यक्ति के अधिकार दिया गया है, लेकिन यदि विचार के अभिव्यक्ति से राष्ट्र को क्षति पहुंचती है, राष्ट्रीय एकता को क्षति पहुंचती है, तो उस को प्रतिबंधित किया जा सकता है, तो वो प्रतिबंध जो है मौलिक अधिकार के विरुद्ध हो जाता है। तो अनुच्छेद 19 से 22 जो ये अधिकार है ये निर्वाध नहीं है, इस पर यथा समय आवश्यकता अनुसार राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए इसे सीमित या प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 19 के द्वारा ही भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार का अधिकार दिया गया है, और वो 6 को क्रमशः याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है, क्रमशः कई बार प्रश्न पूछ देता है। अनुच्छेद 19 ए, या कहीं पर लिख सकता है 19 ऐसे अगर वन लिखता है, तो अनुच्छेद 19 कहता है वाक स्वतंत्रता, वहां पर जो शब्द है लिखा हुआ वो है वाक स्वतंत्रता, विचार को अभिव्यक्त करने का अधिकार, इसी के तहत भाषण देने का अधिकार। विचार की अभिव्यक्ति सिर्फ बोलकर ही नहीं हो सकती है, लिखित हम जब लिखते हैं तो भी विचार की अभिव्यक्ति है, इशारों में बात करते हैं तो वो भी एक प्रकार की विचार की अभिव्यक्ति है, तो लिखकर, दिखलाकर, बोलकर, चाहे वो फिगर के माध्यम से हो, कार्टून के माध्यम से हो, इशारों के माध्यम से हो, वो विचारों की अभिव्यक्ति की श्रेणी में आता है। तो विचार की अभिव्यक्ति, भाषण देने का अधिकार मौलिक अधिकार है, लेकिन आपका विचार का अभिव्यक्ति के अधिकार से किसी दूसरे व्यक्ति, समुदाय, धर्म की भावना को आहत नहीं होनी चाहिए। आपके विचार की अभिव्यक्ति से राष्ट्रीय एकता को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। अभी अखबार के पन्नों पर आपने कल पढ़ा होगा कि एक भारतीय नागरिक पुलिस के पास शिकायत लेकर गया कि मेरे पिता और मेरे भाई को बंदी बना लिया जाए, क्योंकि वो देशद्रोही काम में संलिप्त हैं, कि मैं पूजा कर रहा था उसमें मैं भी शामिल था। वो लड़का जो है कोर्ट में केस के, ये पुलिस स्टेशन पहुंचा है, आप अखबार के पन्नों पर कल के बारे में पढ़ा हो कि वो पिता जो है भाई ये प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि तुर्की चीन के पास इतनी ताकत हो कि भारतीय सेना को रौंद दे, भारत को नष्ट भ्रष्ट कर दे, और कुछ इस प्रकार की अन्य गतिविधियां का उल्लेख था। तो पूजा में उस प्रकार का विचार रखना वो भी एक प्रकार की विचार की अभिव्यक्ति है कि भगवान से कैसी प्रार्थना, कैसी दुआ मांगते हैं, लेकिन आपके दुआ मांगने से, आपके प्रार्थना करने से, आपके विचार की अभिव्यक्ति से राष्ट्र की एकता को, राष्ट्र की क्षति न पहुंचे। फारूक अब्दुल्ला के द्वारा जो बयान दिया गया वो भी एक प्रकार के राष्ट्र विरोधी बयान हो जाती है, JNU अखबार के पन्नों पर काफ़ी चर्चा में रहा था। तो विचार की अभिव्यक्ति सकारात्मक हो, जिससे नागरिकों के उत्साह की भावना आए, उसमें उत्साह का संचार हो, उसमें एक नई जागृति आए, न कि उसमें आक्रोश आए, क्योंकि लोकतंत्र में आक्रोश का जगह नहीं है। लोकतंत्र की विशेषता होती है अपनी विचार को सहजता के साथ रखना और दूसरी के विचार को उतना ही सुगमता से ग्रहण करना। यहाँ आक्रोश और हिंसा का जगह नहीं होता है, आम सहमति के आधार पर। तो इसी को कहता है अनुच्छेद 19 की आप विचार को भी व्यक्त करें, और इसी के तहत प्रेस या समाचार पत्र को स्वतंत्रता प्राप्त है।
लोकतंत्र का तीन स्तंभ कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इन तीनों के बारे में संविधान में काफी कुछ लिखा हुआ है, लेकिन प्रेस, जिसे लोकतंत्र का चौथा पिलर, चौथा स्तंभ कहते हैं, विद्यार्थीगण, पूरे संविधान में इसमें एक शब्द भी लिखा हुआ नहीं है। अनुच्छेद 19A के तहत प्रेस की स्वतंत्रता अंतर्निहित है, इंक्लूड है, लेकिन उसके लिए संविधान में प्रेस शब्द का, समाचार शब्द का उल्लेख नहीं है। आप निकाल कर देखोगे, SSC का प्रश्न पूछा हुआ है किसके लिए संविधान में कोई भी पंक्ति, रेलवे में एक बार क्वेश्चन ही पूछ चुका है कि कौन से चार टर्म दिया है जिसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। रेलवे भी कोई बोर्ड, अब बोर्ड का ध्यान नहीं है, तो आप निकाल कर देखोगे प्रीवियस ईयर का जब क्वेश्चन, तो रेलवे बोर्ड भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ चुका है, SSC भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ चुका है। इसके अलावा BPSC एक क्वेश्चन पूछा था, किस अनुच्छेद के आधार पर नागरिकों को अपने घरों में, निजी घरों में राष्ट्रीय तिरंगा झंडा को फहराने का अधिकार है, और जो विकल्प दिया था उस विकल्प में उसका था अनुच्छेद 19A1, उसका विकल्प था। तो अनुच्छेद A1 इसी जो प्रेस की स्वतंत्रता भी है, जो है, क्योंकि उसमें अनुच्छेद को 1, 2, 3, 4, 5 छो करके बांटा है, तो उसमें झंडा फहराने का अधिकार का कोई उल्लेख नहीं है, और कोई मौलिक अधिकार में परिवर्तन करके जोड़ा भी नहीं गया है, क्योंकि मौलिक अधिकार में कौमा या पूर्ण विराम में भी यदि परिवर्तन करना होता है तो उसे संविधान संशोधन के माध्यम से ही परिवर्तन किया जा सकता है। तो यहां कोई संशोधन नहीं किया गया है, लेकिन विचार की अभिव्यक्ति, तो राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति का झंडा फहराकर राष्ट्र प्रेम को प्रकट करना एक प्रकार की विचार की अभिव्यक्ति है। आप देखते हैं खेल के मैदान में भी तिरंगा झंडा का प्रयोग होता है, तो राष्ट्र की, अपनी राष्ट्रीयता की, अपने टीम की राष्ट्रीयता के विचार को प्रकट उस झंडा के माध्यम से किया जाता है। नवीन जिंदल ने अपनी फैक्ट्री में झंडा, तिरंगा झंडा को फहराने का प्रयास किया, और बारंबार प्रयास किया, लेकिन पुलिस बल उसे रोक दिया करता था। तब उन्होंने न्यायालय की शरण लिया था कि भारत के नागरिक होने के नाते अपनी राष्ट्रीय झंडा को फहराने का उनका अधिकार है, और न्यायिक प्रक्रिया के तहत उन्हें यह अधिकार प्राप्त हुआ। उसके लिए उन्हें लंबा संघर्ष करना पड़ा, तो और उसके पश्चात भारत सरकार ने 2002 से झंडा अधिनियम में संशोधन करके भारत के नागरिकों को अपने निजी घरों में भी, निजी फैक्ट्रियों में भी राष्ट्रीय तिरंगा झंडा को फहराने की अनुमति दिया। तो झंडा फहराना विचार की अभिव्यक्ति की, राष्ट्रीयता के प्रति भावना को प्रदर्शित करने का एक माध्यम है, इसलिए अनुच्छेद 19A1 में वह इंक्लूड है, समाहित है, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता समाहित। क्योंकि BPSC प्रश्न पूछा और उसने अनुच्छेद 19A को विकल्प के रूप में रखा था, जो कि उचित उत्तर था, इसलिए वह मौलिक अधिकार में उसके लिए कोई शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन वह एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 19B के तहत शांतिपूर्वक सभा प्रदर्शन करने का अधिकार भारतीय नागरिकों को दिया गया है। शांतिपूर्वक सभा प्रदर्शन करना, लेकिन उसमें शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना है। आपको शांतिपूर्वक सभा प्रदर्शन करने के लिए अधिकार दिया गया है, ये मौलिक अधिकार है, और इसी अधिकार के आधार पर बहुत सारे लोगों ने उसको, हड़ताल को भी मौलिक अधिकार माना। उसके पश्चात केरल उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट रूप से आदेश दिया कि शांतिपूर्वक सभा प्रदर्शन, धरना देने का अधिकार के तहत हड़ताल करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि हड़ताल करने से राष्ट्र की राष्ट्रीय संपत्ति को लॉस पहुंचता है, नुकसान होता है, व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचती है, किसी व्यक्ति की मौलिक अधिकार का हनन होता है, क्योंकि जब आप हड़ताल करते हैं तो जोर जबरदस्ती से दुकान बंद करवाते हैं, यातायात को बाधित करते हैं, चाहे रेल को बाधित करें या सड़क मार्ग को अवरुद्ध करें, जिससे आम नागरिकों को क्षति होती है। जब पूरी मार्केट को बंद करवाते हैं
तो हमारी अर्थव्यवस्था को क्षति पहुंचती है। तो आप अपना मौलिक अधिकार के तहत दूसरे के मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर सकते हैं। इसलिए केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि हड़ताल करना मौलिक अधिकार नहीं है, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना। उस प्रदर्शन में भी आप देखते हैं कि पुलिस बल से स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेना होता है, क्योंकि जब आप सड़क पर प्रदर्शन करेंगे, सड़क पर आप मार्च निकालेंगे, तो सड़क पर आम नागरिक को भी चलने का अधिकार है, यातायात से संबंधित वाहनों को गुजरने का अधिकार है, दोनों किनारे यदि दुकान है तो दुकान को दुकानदार को दुकानदारी करने का अधिकार है। तो आपके प्रदर्शन से उसका व्यवसाय प्रभावित होता है, तो इसलिए पुलिस प्रशासन से अनुमति लेनी होती है ताकि उसका वैकल्पिक व्यवस्था कर सके। जैसे पटना में हड़ताल करने, धरना देने के लिए, प्रदर्शन देने के लिए सरकार ने कुछ नियत स्थान, वर्तमान गर्दनी बाग में नियत स्थान रखा है, वहाँ पर आप प्रदर्शन कर सकते हैं। तो शांतिपूर्वक शक्ति प्रदर्शन के बिना, शांतिपूर्वक सभा कीजिए, प्रदर्शन कीजिए, धरना दीजिए और शांतिपूर्वक हड़ताल कर सकते हैं। आप आह्वान करें कि हमारी इस मांग के लिए, जैसे अगर आप इतिहास के पन्नों पर पढ़ते हैं, साइमन कमीशन भारत आया फरवरी 1928 में, तो बम्बई में पूर्ण हड़ताल के साथ स्वागत किया गया। वहाँ कोई जोर जबरदस्ती नहीं था, आम नागरिक ने स्वेच्छा से राष्ट्रीयता की भावना में पूरी बम्बई को बंद रखा। तो स्वेच्छा से हड़ताल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना है। अनुच्छेद 79 कहता है संघ या संगठन बनाने का अधिकार, ये भी निर्वाध नहीं है। वैसा संघ या संगठन का निर्माण आप नहीं कर सकते हैं जो राष्ट्रीय एकता अखंडता को क्षति पहुंचाता हो, राष्ट्र की भाईचारा को प्रतिबंधित करता हो, या राष्ट्र की भाईचारा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की विचारधारा की अवहेलना करता हो। तो ये अधिकार भी निर्वाध नहीं है। इसमें दिया गया है कि आप संघ का, संगठन का निर्माण करें, लेकिन उसका उद्देश्य सकारात्मक हो, जन कल्याण हो, राष्ट्रीय हित में हो, लेकिन राष्ट्र को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से आप संघ या संगठन का निर्माण नहीं कर सकते हैं। सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए संघ या संगठन का निर्माण नहीं कर सकते हैं। स्वतंत्रता पूर्व भी संघ या संगठन बनाने का अधिकार प्राप्त हो चुका था। इतिहास के पन्नों पर आप पढ़ते होंगे 1920 में ही लाला लाजपत राय ने मजदूर संघ या श्रमिक संघ का गठन किया था। 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ गठन की स्थापना हुई और उस श्रम संगठन में भारत का प्रतिनिधि करने के लिए श्रमिक संघ का गठन किया गया था। तो संघ या संगठन बनाना मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार के पूर्व ही वो ब्रिटिश हुकूमत काल में भी एक वैधानिक अधिकार के रूप में उसे मान्यता मिल चुकी थी। अनुच्छेद 19D कहता है कि भारत में निर्वाध रूप से कहीं भी आने जाने, भ्रमण करने, कहीं भी घूमने, पर्यटन करने का, लेकिन इसमें विदेश का उल्लेख नहीं है। विदेशी यात्रा जब प्रयोग हो जाएगा, देश के आंतरिक भागों में पर्यटन करने का अधिकार 19D में शामिल है, लेकिन यदि विदेशी भ्रमण को कर दे तो अनुच्छेद 21 में आ जाता है। ये आपको संघ लोक सेवा आयोग एक बार प्रश्न पूछ चुका है। उसके अलावा C TET में भी इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा चुका है कि विदेशी भ्रमण का अधिकार, विदेशी भ्रमण का अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 21 के तहत विदेशी भ्रमण का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर एक मौलिक अधिकार है। जिस प्रकार झंडा फहराने का मौलिक अधिकार हो जाता है, उसी प्रकार तो विदेश भ्रमण दे तो अनुच्छेद 21 और देश के आंतरिक भागों में भ्रमण का अधिकार दे तो अनुच्छेद 19D। लेकिन यहाँ भी ऐसे आप जब अनुच्छेद 370 को हटाया गया था तो बहुत सारे उसमें चर्चा आया था कि नागालैंड से लेकर अरुणाचल प्रदेश कुछ पूर्वोत्तर राज्य में प्रवेश करने के लिए अनुमति लेनी होती है, उसे क्यों नहीं समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, वो लोकतांत्रिक मांग उचित है, समानता का अधिकार होनी चाहिए, लेकिन वहाँ की कुछ परिस्थितियाँ के आधार पर ब्रिटिश हुकूमत के काल से ही नागालैंड और पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों में प्रवेश के लिए कुछ बंदिशें बनाई गई थी, क्योंकि उस वहाँ की भौगोलिक अवस्था
अभी वहाँ देखते हैं पूरी तरह शांति व्यवस्था छाई नहीं, शांति व्यवस्था नहीं है वहाँ भी, अभी भी आतंकवाद या अराजकतावाद कुछ बना हुआ है। तो वहाँ की भौगोलिक अवस्था, वहाँ के लोगों की जो सामाजिक अपनी एक संस्कृति है, तो उसमें अभी भी वहाँ के लोग बाहरी लोगों के हस्तक्षेप को नहीं स्वीकार करते हैं। तो स्थानीय तौर पर वहाँ की संस्कृति को सुरक्षित रखने, वहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य को बनाए रखने के लिए कुछ स्थानों पर भूमि संपत्ति को खरीदने से प्रतिबंधित किया गया है, वहाँ आवागमन को अवरुद्ध किया गया है, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रणाली में सबों को साथ लेकर चलना, सभी की संस्कृति को मान्यता देना, भौगोलिक परिवेश को मान्यता देना लोकतंत्र की विशेषता है। तो कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में प्रवेश के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता होती है और भू संपदा के क्रय विक्रय को प्रतिबंधित किया गया है, ताकि पर्यावरण को क्षति न पहुंचे, वहां के स्थानीय लोगों की संस्कृति को क्षति न पहुंचे। तो ये भी जो है सो कुछ हद तक आंशिक रूप से प्रतिबंधित की जा सकती है। 19E कहता है कि भारत में कहीं भी, पहले जम्मू काश्मीर अनुच्छेद 370 और 35A लागू था, अगस्त 5 अगस्त 2019 के पूर्व, तो वहां पर अनुच्छेद 19E लागू नहीं होता था। लेकिन आपने अखबार के पन्नों पर पढ़ा होगा कि अक्टूबर महीना में 2020 में पूर्णतः यूँ तो 370 समाप्त कर दिया गया अगस्त 2019 में, लेकिन उसे पूरी तरह आम नागरिकों को भूमि संपत्ति खरीदने का अधिकार दिया गया 2020 अक्टूबर महीना से। तो भारत में कहीं भी अस्थायी तौर पर निवास करने, धन संपत्ति को खरीदने का अधिकार अनुच्छेद 19E के तहत प्राप्त है। अभी भी आंशिक तौर पर कुछ पूर्वोत्तर राज्य में आप जमीन संपत्ति नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि वहां की भौगोलिक और सांस्कृतिक सुरक्षा के लिए वो आवश्यक है। तो अनुच्छेद 19E के तहत अब जम्मू काश्मीर सहित भारत में कहीं भी निवास करने, अस्थायी रूप से धन संपत्ति खरीदने का अधिकार, और 19F, 19F दिया गया कि भारत में कहीं भी रोजी रोजगार की तलाश करने, जीवन यापन करने का अधिकार। अब कहीं कहीं जो क्षेत्रीय बात है, क्षेत्रीयता की बात है, कि महाराष्ट्र में देखते विरोध होता है, कहीं पंजाब में, तो कभी असम में, तो राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए क्षति नुकसानदायक है। भारत की राष्ट्रीय एकता के तहत भारत का कोई भी नागरिक कहीं भी रोजी रोजगार की तलाश करता है, स्थायी रूप से निवास कर सकता है, जीवन यापन का मार्ग का चयन कर सकता है। लेकिन वहां भी देखते हैं कहीं न कहीं क्षेत्रीयवाद, क्षेत्रीयता की भावना उभर कर आती है और हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता को कमजोर करती है। तो अनुच्छेद 19F के तहत यदि कोई आंदोलन होता है कि बिहारी को भगाओ या दक्षिण भारतीयों को भगाओ, उत्तर भारतीयों को भगाओ, तो वो राष्ट्र के एकता अखंडता को नुकसान ही पहुंचाता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करता है एवं मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। तो अनुच्छेद 19 के द्वारा ये तमाम मौलिक अधिकार दिया गया। विद्यार्थीगण, आपको अब तक दो अधिकार पढ़ाया गया और दोनों मैं समझता हूं कि आपको इसमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं रही होगी इन दोनों अधिकार में, और इन दोनों अधिकार से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न यदि आपके सामने आता है तो यकीनन तौर पर आप उसे आसानी से हल कर देंगे। अगले क्लास में शेष जो है, अब क्योंकि अब जो अधिकार है उसमें ज़्यादा थोड़ा अनुच्छेद 32 को थोड़ा सा विस्तार से समझना है, शेष में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, वो एक सामान्य प्रक्रिया है और सामान्य जानकारी है जो कि आपको आसानी से हर जगह उपलब्ध होती है। यहाँ तक कुछ विशिष्ट था जैसे कि मैंने पॉइंट दर पॉइंट उसको समझाने का प्रयास किया ताकि आपको आसानी से समझ में आए। विद्यार्थीगण, मैंने बराबर कहा कि आपके लाइक, आपका कमेंट, इस प्रकार एक कलाकार के लिए ताली की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार शिक्षक के लिए आपके कमेंट, यदि कोई खामियां है पढ़ाने के दरमियान, भाषागत त्रुटियां रह गई हो, कहीं लय टूट गया हो, या कोई पॉइंट न समझा पाए हो, या आप न समझ पाए हो, तो वहाँ पर आप कमेंट में ज़रूर लिखें, पढ़ाई कैसा लगा वो भी बतलाएं, क्योंकि उससे और बेहतर करने का अवसर मिलता है या और बेहतर से बेहतर आपको अपनी बात रख सकें उसकी जानकारी मिलती है। तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें।
शेयर करें ताकि अन्य लोग भी लाभान्वित हों। धन्यवाद।